मतलब मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तू पिछली बार आया और तू यहाँ रुका नहीं. व्हाट एन इडियट. व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड नॉट स्टॉपिंग हियर. कैन यू प्लीज इलैबोरेट. थैंक यू सर. थैंक यू. दिस वॉज वन अमेजिंग विजिट. एंड नाउ फ्रॉम हियर वी गो डाउन. ऑन कर ले इंटरकॉम को. कर दिया. लेट्स गो भाई. बुलेट वाले मैं बता रहा हूँ सारे कमरे भर देंगे जगह बच्चे की हमारी आंगले में रहने की. उनको ओवरटेक करना ही पड़ेगा मैं बता रहा हूँ. ओह व्हाट अ बिग वाटर क्रॉसिंग यार. इज दिस सेफ. फिर से ये हमने गलत ट्रैक ले लिया भाई. ये रोड़ी के ऊपर से चढ़ाना क्योंकि ये मेरे को काफी सॉफ्ट लग रहे हैं स्केचेस ना. फालतू में फंस घुसा गई तो मैं सांस में वो नहीं करना चाहता फिर से. इट्स 17 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ. यस एंड इट डिप टू 7 इन नो टाइम. आई एम टेलिंग यू within 2 hours. उस टाइप की फीलिंग आ रही है कि बिल्कुल हाईवे चला ही जा रहा है एंडलेस. तेरे और मेरे बीच में एटलीस्ट 300 मीटर्स का गैप आ चुका है. वो शिट मैं नीचे गया ही नहीं. मैं भी तेरे पीछे पीछे आ गया हूँ. अच्छा यहाँ से एक नीचे जा रहा है रास्ता. हाँ ये रहा. ओके ओके आई विल टेक दैट. भैंसो क्या कर रहा है वहाँ पे. ये भरतनाट्यम का को कर रहा है वहाँ पे. गो गो गो. तारा चेक पोस्ट. That will be the first stop and the second one. यार ये तो लंच ही था यार. अब और कितना लंच करेंगे भाई. प्रोटीन बार खाएंगे आगे बढ़ेंगे. What a beautiful stretch यार to saddle. लूज हैं यार ये काफी. ये तो भाई ओ तेरी आगे तो लूज है और ज्यादा. मैं तो लेफ्ट ले लिया यहीं से जहां पे तेरी ट्रैक पे आ गया पीछे से. फिफ्टी. Which gear are you in? Yeah, same here. Exactly, same here. Oh ho ho ho. Singh ke bhai. Ha, ab nikal raha hu. हाँ मैं तो बुलेट्स के पीछे जा रहा हूँ और वो सेम ट्रैक ही है. वो सब कोई इशू नहीं है. हाँ बुलेट वाले तेरे पीछे हैं. तूने सबको ओवरटेक कर लिया ना. ओके ओके यार ये काफी सॉफ्ट सरफेस है ना. मतलब इट्स नॉट स्लिपरी बट एट द सेम टाइम. हाँ हाँ द गुड पार्ट इज इट्स लाइक वी आर एबल टू फील द टेक्सचर ऑफ द रोड ऑन आर फीट. या रेजांगला रेस्टोरेंट. ओ लेट्स गो यार.
मेरे हेलमेट पे पानी आया, फक। Oh, what a terrain, yaar. This is like so good. This is just... क्या बोलूं यार मैं, this is amazing. कितना सही आ रहा है बीच में रास्ता यार. Please catch up. I am catching up, but मैं slow चला रहा हूं. मैं bullets को cross कर चुका हूं. This is wallpaper actually. This is wallpaper stuff, guys. After every turn, कुछ ना कुछ नया दिख रहा है, नए टाइप का टेरेन आ रहा है. और कैमरा बिल्कुल भी बंद करने का दिल नहीं कर रहा है यार. अब क्या ही करूं मैं कैमरा बंद इस रूट पे. ओके ओहो हो हो वाह 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 या 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 दिस इज अ प्लेग्राउंड. दिस इज अ सोच संडे राइड में ऐसी जगह मिल जाए. चल ठीक है, मैं फर्स्ट गियर में से ट्रैक्टर मोड में आ रहा हूँ. ठीक है. ओहो वाह 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 वाह. सीरियसली दिस इज द टाइम ऑफ आवर लाइफ. सीरियसली मतलब इससे बढ़िया ट्रेल आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड. Bridgestone Parallax provided by Triumph on the Tiger 900 Rally Pro for unparalleled experience. वो देख क्या है. These guys are watching us. These guys are watching us. They are keeping an eye on us, saying, "Who the fuck are we?" चल भगाओ, जाओ. अगर यहाँ बाइक नहीं चलाई ना, तो कहीं चलाने का कोई फायदा नहीं है. This is like unparalleled stuff. खत्म ही नहीं हो रहा है रास्ता. We are going towards Anle. Just had a lunch at the Rizangla War Memorial. And this route is an adventure rider's heaven. And that is what I can describe it as. There is some loose sand in between, but at the same time, you'll have to saddle throughout this route. And the feeling of saddling is just pure bliss if you love adventure touring motorcycles. And something that I will never ever forget. What an amazing route this is. Are we going up a pass or what? What is this? पीछे हो, पीछे आ रहा हूं. What is that? What is that supposed to be? Is that fine? सेना आना है, सेना आना है, ऑन है. वो ठीक कर, तू ठीक कर, तू ठीक कर. अरे सेना ऑन है, तू ठीक कर. हेलो हेलो हेलो. हाँ हाँ हाँ. हेलो हेलो. इज दिस सेफ? 50-50 माय फ्रेंड. ओ या. Oh my god. Actually after all the water crossings that we have done, मुझे ऐसा लगा ये वैसे ही normal simple सी होगी. हाँ बीच में पत्थर थे, ले आओ सीधे और पैंगोंग चढ़ जाओ. रुको मिराक मिराक पे और ये करो बस. Wow, this is orgasmic, I'm telling you. Oh-ho! Okay, sir, thank you, bye-bye. Chalo. Yeah. Pichle saal hi to retention shayad Pangong So pe, kab thi tension? ओके, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट टेंशन? अननेसेसरी इंट्रूजन क्या वो? और व्हाट, अचानक से डिसाइड करते हैं लोग इंट्रूड करना, क्या हमारा दिल कर रहा है इंट्रूड करने का? चाइना इंट्रूड
नहीं बट क्यों, मतलब क्या रीजन, क्या शांति क्यों नहीं, प्रॉब्लम क्या है इन लोगों का? बहुत हो चुका है, एक बार लड़ाई है, बार बार ट्राई मारते रहेंगे, हिट एंड ट्रायल, कभी मिल जाए मौका। मैं तो रोड पे हूँ भाई, यो आई थिंक सो यस, बिकॉज राइट में तो कचरा मचा पड़ा। ओ फक, ओए भाई 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 भाई, नहीं दस नहीं, मेरी निकल गई है, बट मैं ये सोच रहा हूँ के नीचे जा रही है। ओके आई थिंक फिर हमने गलत से निकाल लिया है, बट वी नीड टू क्रॉस इट। हाँ तो मैं एक बार कॉन्स्टेंट मोमेंटम के साथ निकाल, चल 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 चल, पैर 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 पैर, हाँ हाँ ठीक है, अभी भी धस रही है क्या भाई? अभी भी धस रही है भाई, हल्की हल्की, इसको पैर, इसको पैर के साथ निकालना पड़ेगा हल्का हल्का। हाँ हाँ तेरी निकल गई है ना, एक सेकंड, ये ना धीरे निकल जा, रुक जा, फंस गई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या हो गया, क्या हुआ, निकल गई ना? हाँ वो गंदा पैसा यार, काफी डीप थी एकदम से, बी केयरफुल आए, क्या हो गया है? अच्छा हाँ, अभी स्लो स्पीड पे निकालते हैं, कांस्टेंट स्पीड पे, ठीक है यार, सामने का व्यू है क्या यार? सो द गाय एक्सप्लेन्ड अस के राइट वाली रेंज इज लद्दाख रेंज, लेफ्ट वाली इज कैलाश रेंज, एंड वो बीच में खाली बीच में जगह से एक और सेट ऑफ माउंटेन्स दिख रहे हैं सामने, माउंटेन्स माउंटेन्स माउंटेन्स, क्या है वो? वाह वाह वाह, गिर रही है। यार एक बात सोच के बहुत दुख हो रहा है यार, ये रोड बन जाएगी सोच। मतलब दिल दिल से दर्द हो रहा है, दिल पे बहुत तेज दर्द हो रहा है। This is not bullet, this is expulse. चल जो आराम से आराम से आराम से, डीजी तू ओवरटेक करने के आता साले। वही तो, मैं भी 70 पे हूँ, बट बी अंडर कंट्रोल यार, कुछ पता नहीं है ना आगे। Fuck, I went into sixth gear, I forgot. Sixth gear पे मैं easily ऐसे लगा था, बिल्कुल पकड़ा ही नहीं हुआ, throttle चले जा रही है बस, roll. Slow, slow, slow. Slow, 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 slow. Slow, 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 slow. ओ काफ़ी सारी सैंड है यार यहाँ पे, दिस कुड बी लिटिल ट्रिकी, आई नीड टू इंश्योर दैट माय व्हील्स आर ऑन द स्मॉल नैरो पैच ऑफ टर्मैक। व्हाट इज सैंड, फिर से हल्की हल्की। हाँ आई होप यू गाइस आर एंजॉयिंग दिस एफपीवी व्यू ऑफ द राइड, बिकॉज दिस इज वन हेल ऑफ अ राइड फॉर मी, आई मीन दिस इज जस्ट एंटरटेनिंग एंड इज सैशिएटिंग माई हंगर।
of riding the Tiger 900 properly. Till now, over the last 3 months, it's been just city rides, albeit in the mountains. But this is the sort of ride that you need to understand your motorcycle. Sand again. I love sand. Oh, fuck you. Nikal ja bhai, nikal ja, pair ke support se nikal ja. I love the sand. Oi! Hey, kade ka bachche? Haan. Let's see them, huh? Let's stop and... Hey, baap, bolo. भाग रहे भाग। अरे यार हाँ, 3 big ones and 2 small ones। वो भी हमें देख रहा है कि ये भी कोई पागल है। अच्छा, this is the Loma Bridge, ये blue one. Cool यार. So this must be a river यार. This is turning into a proper river. अच्छा, Neuma is 29 from here, right? And left is Hanle 44. अच्छा. ओके ए फ्यू मोमेंट्स लेटर वी हैड टू स्टॉप फॉर हाफ एन आवर फॉर सिंगे टू कम ही वाज सेइंग दैट ही गॉट स्टक समवेयर इन द सैंडी पैचेस बट एनीवेज ही इज हियर एंड फ्रॉम नाउ फ्रॉम हियर आई थिंक अबाउट 50 किलोमीटर्स इज व्हाट इज लेफ्ट फॉर हानले एंड नाउ वी आर क्रॉसिंग द लोमा ब्रिज. This water body actually merges with the Indus and then flows towards Leh and beyond. So what we can expect is good tarmac now for the next 50 odd kilometers before we reach Hanle. Dungti is left, Hanle and Neuma is right. Okay, so we will come from here, yeah, so tomorrow. Yaar, kafi sare log hain yaar Rongo ke paas. क्या है ये, व्हाट इज दिस? आई थिंक देयर इज अ शादी गोइंग ऑन, देख फंक्शन है कोई, प्रॉपर टेंट वेंट लगाया. यार ये क्या मस्त बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बैठ के छुट्टे मार रहे हैं. वो सामने देख, अभी भी माउंटेन दिख रहा है वहाँ पे, माउंटेन बीच में. ये वाली रेंज चले ही जा रही है एक्चुअली, यही दिखती जा रही है बार बार. एंड जैसे जैसे वी गो इन डीप इन टू दिस एरिया बिटवीन दिस टू रेंजेस, आगे और दिखता जा रहा है. और दिस इज अ कॉन्ट्रास्ट दैट आई हैव नेवर सीन सो फार. ऑन द लेफ्ट साइड यू सी अ बैरन लैंडस्केप, इट्स लाइक सैंडी माउंटेन्स, अ लॉट ऑफ माउंटेन्स विद sand on them, and on the right side you have complete greenery with cattle grazing it. How is that even possible? This is beyond any logic. That does the fertile land end here and on this side it suddenly converts into a desert? What a view, yaar. So just 3 kilometers to Hanle, and on my right I can already see the Hanle Monastery, which is at the top of that mountain. Not sure if we'll be going there because we have very limited time and a long day ahead of us. What's that? Gear Bikers Cafe. Now that is good. Kya hoga idhar? Homestay dekhte hain, main to keh raha hu ab isme chhota sa hi hoga, kuch hoga nahi khaas waise. Haan, monastery to yahi hai. So Fotla Chumar is right. क्या हेल्दी कैटल है यार, देख याक भाई साइज.
ह्यूज, ये सारी प्रोटेक्टेड कंजर्वेट वो हैं वेटलैंड्स, लिखा हुआ था ना बीच में, बोर्ड लगा हुआ था, हॉलीडे इन भी है यहाँ, देख कर रहा हूँ हॉलीडे इन यहाँ पे अंदर, इधर है रूम, रूम मिलेगा नाइट टाइम में, आएगी लाइट कितने बजे? ये वाला है, ये है ना, ये देख, ये आके देख एक बार, ये व्यू देख पीछे देख कैसा लग रहा है, आई एम जस्ट अमेज्ड एट द ब्यूटी, ये देख आंखों से देखिए कैसा लग रहा है और सामने कैमरा से कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बेटर लग रहा है। हाँ, सो दिस इज द हॉलीडे इन, व्हाट डू आई कॉल इट, होटल होम स्टे, नाउ वी हैव कंपनी, भैया वी विल बी टेकिंग नीचे वाला रूम, नीचे वाला कंफर्म कर दो, बहुत सारे लोग आ गए यार मजाक मजाक में, जूते उतारने पड़ेंगे भाई, सो नाउ लेट मी डू दिस टू यू, सो अभी ना हाउ वाज द राइड, रिमूव योर हेलमेट फर्स्ट, रिमूव योर हेलमेट, ओह माय गॉड, वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ हैप्पी आई एम, बेस्ट राइड ऑफ आवर लाइफ, आई डोंट थिंक आई कैन पुट इट इन वर्ड्स हाउ गुड दिस फेल्ट, आई जस्ट से दिस, if you have a motorcycle do this route, do the Pangong to Hanle route, you won't regret it, you'll probably pick up a few skills along the way, it's beautiful, it's just beautiful, I think it's easily one of the best rides that I have done, the best part was that we were saddling at 60-65 kmph and doing that for a good part of 2 hours, 2.5 hours at least, right, and connected on Sena intercom. That was also amazing, yeah. Sir, नहीं होता तो यार मजा नहीं आता। हाँ नहीं तो अकेले, it was like we were sharing that happiness, है ना? Otherwise अकेले अकेले अपने helmet में हम सोचते रहते हैं, तारीफ करते रहते हैं, which we have done in our separate videos. To be able to discuss what we are feeling real time. Yeah. You can never capture that later and you know make a synopsis of it. Yes. And we were hearing each other laugh, right? With happiness. बेशर्मों की तरह चिल्ला चिल्ला के हंस रहे थे, गिरने से बचते थे, गिरने से बचते थे, हंसते थे. I think we have done a lot on this ride. And day 6 as well. You know, मतलब it's by chance that we did this ride. Yeah. We did not factor this in our itinerary at all. Pangong तो जा रहे नहीं था. हाँ. We were gonna come directly to Hanle. Yeah. To Hanle. मतलब हम road से आते और वो उंगला करते वापस चले जाते. हाँ. Fuck, I think this was the best section of the ride apart from Zanskar, which is another phase one, phase two. Totally different. Both rides hold a very special place in our hearts. And it would be unfair to compare the two because they are just a very different kind of ride. True that. So it is time for the first fuel up at Hanle. We'll be using the 70 liters of fuel that we have carried, and now Singe is trying to use the pipe, get some petrol out of the bigger can into the smaller 5 liter can, and then because we have to leave very early in the morning tomorrow, I think we'll have to get up at 5 and leave at 6 a.m. if we have to do the route that we have planned. Filter ban gaya hamara, hain? Ab 5 liter petrol ja raha hai, 5-5 liter karke dalenge. Singe bhai, pata kaise chalega ki bhar gaya? ये ऊपर थोड़ा ऊपर करके पकड़ो, अभी तो डालो, अभी तो 5 लीटर तो आराम से जाएगा. अच्छा. दो दिन की राइड में 5 लीटर भी तेल नहीं हुआ तो ये तो बजाज प्लैटिना होगी टाइगर के बजाय. बट मेरे को क्या लगता है जसवीन, यहाँ पे ना सारी बाइकें आसपास माइलेज ही देती होंगी, जो 300 cc 350 cc 25 ही देती. तेरी बाइक कितनी दे रही है? 18 तो दे ही रही होगी. तो 30 दे देती है. 40 नहीं देती भाई साहब, 30 दे दे तो बड़ी गनीमत है ऐसे में. 30 वो जहाँ पे वो माइलेज का वो होता है ना, पेन लगा के चेक करते हैं, उस पे 30 होता है. हाँ मेरे को लग रहा है कल 275 तो मिनिमम होगा किलोमीटर. सो वी हैव गॉटन परमिशन टू एंटर द देमचौक विलेज नाउ. दिस इज द लास्ट विलेज ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर. हाफ ऑफ इट इज इन इंडिया एंड some part of it is in China. I was not sure whether we'll get this entry inside the village. I've seen most people coming at the gate that we took an entry in and returning back from there. You see this nala, and that is a Chinese road. Crazy.